केंद्र सरकार के अनलॉक 5 में दी जाने वाली रियायतों के अनुसार 50% कैपेसिटी में सिनेमा हॉल खोलना शामिल है। 16 अक्टूबर से खुलने वाले सिनेमा हॉल मालिक जुटे तैयारियों में। अंबाला कैंट के इकलौते सिनेमा हॉल में सैनिटाइजिंग का काम शुरू। सिनेमा मालिक दर्शकों की सीटिंग अरेंजमेंट में जुटे। सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर सहित आने वाले दर्शकों के लिए मास्क व्यवस्था का कर रहे अरेंजमेंट। सिनेमा दर्शकों में खुशी की लहर। नगर परिषद अधिकारी भी सिनेमा में इंतजामों का करेंगे दौरा। नियम न मानने वाले सिनेमा मालिकों पर हो सकती है कार्यवाही। 16 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत के साथ 50% सीटिंग कैपेसिटी के बावजूद जहां सिनेमा प्रेमी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं सिनेमा मालिक कोविड महामारी से दर्शकों को बचाने के लिए केंद्र द्वारा दी गई गाइडलाइन के हिसाब से इंतजामों में जुट गए हैं। पुराने जमाने में अंबाला कैंट में 5 सिनेमा घर लोगों का मनोरंजन करते थे, जिनमें मिनर्वा, निगार, निशात, कैपिटल और डिफेंस सिनेमा मुख्य थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के टीवी प्रेम के कारण मुनाफा कम होने के चलते और कुछ सिनेमा द्वारा प्रशासनिक नियमों के अवहेलना के चलते बंद कर दिए गए थे। अब केवल मिनर्वा ही कैंट वासियों का मनोरंजन कर रहा है। सिनेमा मालिक ने केंद्र के आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल के मुख्य द्वार सहित हॉल व बालकनी की सीट को भी सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है। सिनेमा मालिक अश्विन सरीन की माने तो 16 अक्टूबर को सिनेमा देखने आने वाले दर्शकों के लिए सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जा रही है और आने से पहले हर हॉल के हर गेट पर हैंड सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध होंगे। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए दर्शक को भी सुझाव दिए जा रहे हैं कि वे अपनी टिकट ऑनलाइन ही खरीदें और जनरल खिड़की पर आने वाले दर्शकों द्वारा दी जाने वाली करेंसी और उन्हें दी जाने वाली टिकट को भी सैनिटाइज के साथ 6 फीट की सामाजिक दूरी के लिए इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि सिनेमा देखने आने से कोरोना फैला हो, लेकिन हम फिर भी सरकार के नियमों और दर्शकों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह, अंबाला सिटी। और जैसे कि हम सबको पता है कि पहले लॉकडाउन लगा था ये ड्यू टू कोविड-19, और उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी मेहनत करी है, प्रिकॉशन दिए जो हमने फॉलो भी किए सबने एक साथ। और उसके तहत जो एक ज़िंदगी का एक पार्ट होता है एंटरटेनमेंट, जिससे हम लोगों को मिलते थे, बातचीत करते थे, एक गैदरिंग होती थी, वो सब बंद हो गया था। तो अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने धीरे 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 जैसे अनलॉक को 1, 2, 3 अनलॉक प्रक्रिया जो शुरू की है, और अभी जो कल से सुनने में आ रहा है कि सिनेमाघर खुल जाएंगे, एक ये बहुत बड़ा पार्ट है ज़िंदगी का, जो एक एंटरटेनमेंट के लिए, जो फैमिली के साथ हम जाके बैठ सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे अब बड़े पर्दे पे मूवी देखना ये एक तरह से ख्वाब बन गया था बीच में, जो अब खुलने जा रहा है कल से। और 50% के साथ जो इन्होंने प्रिकॉशंस के साथ जो खोला है, सैनिटाइज करके, वो जो ये फेस मास्क पहन के जो लोगों ने जाना है, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये एक कदम है गवर्नमेंट का और इसकी हम सराहना करते हैं। थैंक यू। भास्कर शर्मा, अंबाला कैंट से बोल रहा हूँ। जब से कोविड शुरू हुआ था तब से हम लोग सोच रहे थे, घरों में बंद थे, एक ही इंटरटेनमेंट का साधन था कि हम लोग टीवी पर बैठते थे या किसी फ़ोन पे बात करते थे, और सभी को इंतज़ार था इस घड़ी का कि कब हम लोग आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। और अभी वो मौका आया, सरकार ने धीरे धीरे जब छोड़ दी लॉकडाउन में, और अभी लॉकडाउन 5 जब आया तब से ये अच्छा लगा सुन करके कि सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं और हम लोग परिवार के साथ बैठेंगे, और वहाँ एक बड़ी स्क्रीन पर जो पहले आनंद लेते थे 50%, अब लोग बैठेंगे, चलो तब 50% ही सही, पर एक अच्छा लगेगा कि हम लोगों से मिल भी पाएंगे, और साथ एक बड़ा बड़ा एक जो बड़ी स्क्रीन होती है, इंटरटेनमेंट हमारा पहले होता था सिनेमा हॉल में। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ऐसे इंटरटेनमेंट के साधन खुलते रहें और लोगों को आनंद भी मिले, ताकि जीवन में सारी खुशहाली आ सके और सारे जो लोग इकट्ठे होकर के इसका आनंद ले पाए। सो सिनेमा जो है अब 16th को खुल रहे हैं, फ्राइडे को, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से SOPs आई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से भी। और इसमें जो सबसे पहली उन्होंने चीज़ करी है अभी के लिए, तो उन्होंने स्टैगर्ड सीटिंग रखी है, जिसमें सिनेमा में 50% कैपेसिटी के हिसाब से सिनेमा स्टार्ट होंगे, और बिटवीन द शोज हमारे को वी विल गिव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 आवर, जिसमें ऑल द एंटायर सिनेमा विल बी सैनिटाइज। उसमें जो सैनिटाइजेशन मशीन है, उसमें ना से वो तो मटेरियल भी सारा सैनिटाइज होगा, सारी सीट सैनिटाइज होंगी और एयर भी सैनिटाइज होंगी, और एयर फ्रेशनिंग के लिए हमने सारे वहाँ पे फिल्टर्स लगाए हैं अपने सिस्टम में, ताकि एयर भी जो है वो रिफ्रेश होती रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, तो बेसिक तो प्रेफरेंस ये होगी कि लोग ज़्यादा के ज़्यादा टिकट जो है वो ऑनलाइन खरीदें, और अदरवाइज़ कोई हमारे यहाँ पे बुकिंग पे भी आता है अगर लेने के लिए, तो हमने ब्लू रे सिस्टम करा हुआ है कि जो करेंसी है
जो करेंसी है उसको हम वहाँ पे सैनिटाइज करें, टिकट सैनिटाइज करके कस्टमर्स को दें और कस्टमर्स को 6 फीट का डिस्टेंस जो है सब जने मेंटेन करें, उसके लिए मार्किंग की गई है। उसके बाद सिनेमा की एंट्रेंस पे भी जो है प्रॉपर मार्किंग प्रोवाइड करी गई है कि जो कस्टमर जब एंटर करने से पहले 6 फीट अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। सिमिलरली कैंटीन एरिया जो हमारा सिनेमा एंट्रेंस होती है उस पर भी हमने मार्किंग प्रोवाइड करी है कि कस्टमर्स उसमें हमें ऑब्वियसली कस्टमर्स का बहुत सहयोग चाहिए होगा कि जो जो हम डायरेक्शन हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आए वो लोग फॉलो करें और बाकी जो हमारा जो खाने पीने का है एज़ पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल तो उसमें भी हमने जो है इट इज़ ऑल बीइंग सैनिटाइज एंड उसमें अल्ट्रावायलेट रेज से जो है जो फूड को जो है उसको भी हम सैनिटाइज करके ताकि सारा का सारा जो है लोगों को सेफ्टी और सबको ध्यान रखते हुए और लोगों के साथ साथ हमारा स्टाफ भी है हम लोग भी हैं तो हमें सबका सेफ्टी का ध्यान रखना है। वैसे सिनेमा इंडस्ट्री में आज तक अब पूरे इंडिया में वर्ल्ड में खुल चुके हैं, इंडिया में अब खुल रहे हैं लेकिन आज तक कहीं पे भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि कोई बोले कि सिनेमा की वजह से या सिनेमा में मूवी देखने गए लोग चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो यूरोप में हो चाहे वो चाइना में हो कि उसकी वजह से कोई डिजीज़ फैली हो या कुछ हुआ हो। सो ऑल दोज थिंग्स इट इज़ अ सेफ सिचुएशन एंड जैसे जैसे गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल्स आते रहेंगे अगर कुछ चेंजेस आएंगे वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग देम। तो हम प्राइम सिनेमाज की तरफ से वी आर डूइंग ऑल एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। हैंड सैनिटाइजर ऑब्वियसली वो तो एंट्रेंसेस पे ऑटोमेटिक डिस्पेंसर भी हैं और सिनेमा की एंट्रेंस पे कैंटीन्स वगैरह पे सब जगह हैंड सैनिटाइजर लग ही रहे हैं। हमारा स्टाफ जो होगा दे विल बी वेयरिंग अ शील्ड, दे विल बी वेयरिंग मास्क, दे विल बी वेयरिंग ग्लव्स एंड दे विल बी सैनिटाइजिंग जो है बार बार वो अपने आप को टाइम पीरियड में सैनिटाइज करेंगे। अगर कोई कस्टमर आ जाता है जिसने मास्क नहीं पहना पहली चीज़ तो हम यही कहेंगे कि जो भी आएँ अपनी सेफ्टी के लिए आप मास्क पहन के आएँ, बट अगर कोई ऐसा आ जाता है जिसने मास्क नहीं पहना हुआ तो उसके लिए हमारे यहाँ पे लोकली हमारे पास मास्क अवेलेबल होगा सिनेमा में विच दे कैन टेक एंड ताकि वो अपनी मूवी जो है वो इन्जॉय कर सकें।